हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मेड बायोगन वंस अगेन। दोस्तों, आजकल के ज़माने में हर किसी को ही गोरा होना है और हर कोई ऐसी एक क्रीम ढूंढ रहा है जिससे उनकी स्किन ब्राइटन हो जाए और उनकी स्किन टोन बहुत ही गोरी हो जाए। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं कोजी केयर क्रीम के बारे में, जो कि एक स्किन वाइटनिंग क्रीम के नाम से बिकती है और वह बहुत ज़्यादा इंडियन मार्केट में यूज़ होती है स्किन वाइटनिंग के लिए। दोस्तों, हम इससे पहले ही बहुत सारी क्रीम्स का रिव्यू कर चुके हैं, जैसे कि पेंट्रम प्लस हो गया, स्किन लाइट हो गया, स्किन साइन हो गया, और इसी के साथ साथ हम बेटनोवेट सी और बेटनोवेट एन का भी रिव्यू कर चुके हैं। तो चलिए दोस्तों, आज हम बात करते हैं कोजी केयर क्रीम के बारे में और पूरा रिव्यू करते हैं और जानते हैं कि क्या यह क्रीम सच में सेफ है, क्या वाइटन करती है स्किन को, क्या इसके रिजल्ट्स हैं, क्या इसके साइड इफेक्ट्स हैं, और करते हैं इसका पूरा रिव्यू। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वो लाल वाला बटन दबा दीजिए, क्योंकि दोस्तों मैं ऐसे ही आपके लिए अच्छी अच्छी हेल्थ टिप्स लाते रहता हूं और अमेजिंग वीडियोस लाते रहता हूं। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम इसकी प्राइस की बात करें तो यह सिर्फ 130 रुपीज़ की मिलती है और यह आपको किसी भी क्लिनिक पर मिल जाएगी, फिर किसी भी मेडिकल स्टोर पर मिल जाएगी, और इसी के साथ साथ आप इसको ऑनलाइन भी परचेस कर सकते हैं। दोस्तों, अगर मैं इंग्रेडिएंट्स की बात करूं तो इसमें सबसे पहले मिलाया गया है कोजिक एसिड, इसीलिए इसका नाम कोजी केयर रखा गया है, और इसी के साथ साथ ग्लूटाथायोन भी मिलाया गया है, और इसी के साथ साथ अरब्यूटिक भी मिलाया गया है। दोस्तों, इसी के साथ साथ मैं आपको बता दूं कि अरब्यूटिक हर ब्राइटन क्रीम में यूज़ होता है। जो भी ब्राइटनेस क्रीम होती हैं या फिर फेशियल क्रीम्स होती हैं, उनमें अरब्यूटिक नाम का केमिकल जरूर मिलाया जाता है। चलिए दोस्तों, हम जानते हैं कि यह क्रीम सेफ है या फिर नहीं है। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि इनमें जो भी चीज़ मिलाई गई है वह बिल्कुल सेफ है, पर दोस्तों इसमें कोजिक एसिड है, इसलिए आपको एक बार डॉक्टर से सलाह के बाद इस क्रीम को लेना चाहिए, मैं ऐसा आपको सजेस्ट करूँगा। तो चलिए दोस्तों, हम जानते हैं कि इसका यूज़ कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसको आपको रात को अच्छे से फेस वॉश करने के बाद यूज़ करना है, और आपको जब भी बाहर जाएं तो अपना फेस को कवर करके ही जाना है, क्योंकि इसमें एक टाइप का एसिड है। अगर आप इस क्रीम को लगाने के बाद डायरेक्ट सनलाइट में जाते हैं तो आपको काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स हो सकते हैं और आपके फेस पर काफ़ी सारे इन्फेक्शन हो सकते हैं। तो दोस्तों, आप जब भी इसको लगाएं तो इस बात का ध्यान रखें कि आपका फेस वॉश भी केमिकल फ्री हो, और इसी के साथ साथ आप जब भी बाहर निकलें इस क्रीम को लगाकर तो आपका फेस कवर ही होना चाहिए। और दोस्तों, इसी के साथ साथ आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि जब तक आप इस क्रीम को यूज़ करते हैं, यह क्रीम तभी तक आपका चेहरा वाइट रखती है, फिर आपको वाइटनेस देती है। इसके बाद अगर आप इस क्रीम को छोड़ देते हो तो आपके चेहरे की वाइटनेस धीरे धीरे जाने लगती है और आपका जो चेहरा ब्राइट हो चुका है वह धीरे धीरे डल होने लगता है और आपका चेहरा जैसे पहले था वैसा ही होने लगता है। क्योंकि दोस्तों, अरब्यूटिक आपका चेहरा गोरा तो करता है पर परमानेंटली गोरा नहीं करता, यह एक टेम्पररी केमिकल है जो कि आपके चेहरे को वाइटनिंग देता है। चलिए दोस्तों, हम बात कर लेते हैं कि हमें क्या क्या सावधानियां रखनी है इस क्रीम को लगाते वक्त। तो दोस्तों, सबसे पहली सावधानी यही है कि जब भी आप इस क्रीम को लगाते हैं, इसमें एसिड है, इसलिए आपको हमेशा इसको डॉक्टर की सलाह में ही लेना है, और आपको एक बार डॉक्टर से सलाह लेना है कि मेरी इस टाइप की स्किन है तो मैं ये दवाई लूँ या फिर नहीं लूँ। और दोस्तों, इसी के साथ साथ आपको यह भी ध्यान रखना है कि आपको इसको ज़्यादा लंबे समय तक यूज़ नहीं करना, सिर्फ 1 मंथ मैक्सिमम होता है। आप 1 मंथ से ज़्यादा इस क्रीम को बिल्कुल भी यूज़ मत कीजिए, और अगर आपको करना है तो आप केवल डॉक्टर की सलाह में इस क्रीम को यूज़ कीजिए। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको सारे के सारे पॉइंट समझ में आए होंगे और आपको कोजी केयर क्रीम के बारे में पूरी जानकारी मिल गई होगी। दोस्तों, अभी भी आपके कुछ भी डाउट्स हैं तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे जरूर पूछिए, और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर दीजिए। और दोस्तों, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी अच्छी अच्छी वीडियोस लाते रहता हूँ। चलिए दोस्तों, अगली वीडियो फिर मिलेंगे, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत माँ।